हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंपटीशन कम्युनिटी। कंपटीशन कम्युनिटी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि हम जो एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैथ्स की क्लासेस जो आपके लिए चल रही हैं, जिसमें हम व्यापम के पिछले सालों में आए हुए प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, साथ ही साथ आपके अपकमिंग जो भी एग्जाम है, जैसे हमारे पास CGPAT है आगे, इसके अलावा हॉस्टल वार्डन के एग्जाम होने हैं, और आगे चलकर व्यापम की जो परीक्षाएं होंगी, पटवारी हो चाहे आपके लिए रेवेन्यू इंस्पेक्टर के एग्जाम हो, सभी के लिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। क्योंकि जो हम विषय देख रहे हैं, यानी कि जिस मैथ्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, वह मैथ्स का क्वेश्चन का वेटेज जो है आपका एग्जाम में हमेशा रहेगा, स्पेशली व्यापम में। क्लियर है? तो व्यापम की परीक्षा की तैयारी अगर आप पहली बार कर रहे हैं, पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, या जिन्होंने तैयारी कर ली है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि परसेंटेज का जो बेसिक क्लास है उसे आप जरूर देखेगा, और आज हम परसेंटेज के वह क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। साथ ही साथ हम पहले जानेंगे कि बेसिक उसका कैसा है, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे, और बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद उसके एडवांस क्वेश्चन की तरफ भी हम बढ़ेंगे। तो आपके लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप मान के चलिए कि आज का वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो यहां से एक प्रश्न आपको देखने मिलेगा ही मिलेगा। तो बिल्कुल ध्यान से आप वीडियो में जुड़े रहें और समझिए कॉन्सेप्ट को मेरे साथ। चलिए, क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट। अगर हर दिन एक नई सुबह होती है तो वह हम पर निर्भर करता है कि उस नई सुबह को हम एक अच्छे दिन में कैसे परिवर्तित करते हैं। क्लियर? तो अगर आप अपने आज के दिन का यूटिलाइज करना चाहते हैं तो ये वीडियो को जरूर देखिए, आपका ये दिन जो है अच्छे दिन में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर? चलिए, पहला जो कॉन्सेप्ट हम लोग समझने वाले हैं वह है जनसंख्या आधारित प्रश्न जो परसेंटेज के आते हैं। ठीक, पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या होगा और किस प्रकार के प्रश्न हमको देखने मिलेंगे। अगर हम बात करें जनसंख्या आधारित प्रश्न में तो आपके दो प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दो प्रकार के प्रश्न कैसे रहेंगे? पहला प्रश्न यह रहेगा कि किसी वर्ष किसी राज्य की एक जनसंख्या आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि उसमें 10% की हर वर्ष वृद्धि हो रही है, 10% की या 20% की, 30% की हर वर्ष वृद्धि हो रही है। ठीक, मान लीजिए 2010 में किसी गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो आपको पूछेगा कि 10% अगर हम हर वर्ष अगर बढ़ाएं, 10% अगर जनसंख्या में हर वर्ष क्या हो, वृद्धि हो, तो 2012 में उस गांव की जनसंख्या क्या होगी? ये पहले टाइप का क्वेश्चन रहेगा। क्लियर है? तो पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी? 10,000, और हर साल कितनी वृद्धि हो रही है? 10%। तो मैंने आपको बताया था कभी भी परसेंटेज में अगर वृद्धि होती है तो हम क्या लिखते हैं, 100 में 10 बढ़ाकर लिखते हैं। तो 100 में जब 10 बढ़ाकर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 110। क्लियर है? 110%, क्योंकि यहां पर हर वर्ष हो रहा है, और आप यहां पर देखिए 2010 है और यहां पर क्या है, 2012 है, मतलब कि 2 साल का एक अंतर नजर आ रहा है। तो वृद्धि कितने साल हुई है, 2 साल वृद्धि हुई है, इसे 2 बार हम क्या करेंगे, 110% या 10% की वृद्धि हम करेंगे। क्लियर है? और ऐसी वृद्धि होने के बाद आपको जो संख्या मिलेगी, जो नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा, 2012 में गांव की जनसंख्या। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये जीरो कैंसल यहां पर। क्लियर है? यहां पर 4 जीरो कैंसल, और इसके बाद इसे जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 11 का स्क्वायर हो जाता है 121, और साथ ही साथ हमारे पास 2 जीरो आ जाते हैं। तो लगभग जो गांव की जनसंख्या है वो कितनी हो जाएगी, 12,100। क्लियर है? तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, आपको प्रीवियस ईयर यानी गांव की जनसंख्या आपको दी जाएगी 2010 की, और आपको पूछेगा कि दो साल बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। क्लियर? इसी में अगर मान लो कि बात या 2013 होता तो आपका अंतर कितना हो जाता, 3 साल का, तो आप इस 110 को या 110% को 3 बार लिख लेते, 4 साल का गैप होता 4 बार लिखते, 5 साल का गैप होता 5 बार लिख देते। क्लियर? सिंपल आपका आंसर आ जाता है। क्लियर? तो इस जनसंख्या वाले में पहला टाइप आपको यह देखने मिलेगा।
अगला टाइप जो जनसंख्या वाले में क्वेश्चन आपको पॉपुलेशन वाले में पूछेगा वह किस प्रकार का रहेगा उसे समझिए। आपको यहां पर दे दिया जाएगा कि वर्ष 2010 की जो जनसंख्या है उसमें हर वर्ष 10% की वृद्धि हुई। क्या हुई? 10% की वृद्धि हुई। और 2012 में उस गांव की जनसंख्या है वह हो जाती है 12,100। क्लियर है? इस बार क्या करेगा, दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें क्या करेगा, आपको 2 साल बाद की जनसंख्या दे दी जाएगी और पूछेगा कि वर्ष 2010 में अगर 2012 की जनसंख्या 12,100 थी तो वर्ष 2010 में गांव की जनसंख्या कितनी थी, यानी 2 साल पीछे की जनसंख्या पूछी जाएगी। तो मान लेते हैं कि अगर 2010 में जनसंख्या एक्स थी, क्योंकि आपको 2010 की जनसंख्या निकालनी, क्योंकि हमने जैसे यहां पर किया था वैसे वृद्धि यहां पर भी करेंगे, 2 साल का गैप है तो यहां पर भी क्या होगा, 10% बढ़ेगा, ठीक है, और 2 साल के होने के कारण 2 बार हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 2 साल के बाद एक्स में कितनी वृद्धि हुई, 110% की वृद्धि हुई, और वृद्धि होने के बाद जो नई जनसंख्या जो बनी है 2012 में वह कितना लिया हम, 12,100। क्लियर है? 2012 में 12,100। तो यहां पर अगर एक्स का मान हम निकालेंगे तो एक्स का मान निकालने के लिए इस बार क्या करना पड़ेगा, आपको इसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, 100/110। यहां तक क्लियर है? जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये 0 0 कैंसल, 2 0 कैंसल आपके, क्लियर है? 11 से इसे काटेंगे 11 बार में कट जाएगा, ये 11 इसे एक बार में काट देगा और उसे आपको फिर मिल जाएगा क्या, 10,000। यानी 2010 में जनसंख्या कितनी थी, 10,000। तो यही दो टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको घुमाया जाता है। पहला क्वेश्चन जिसमें आपको 2010 का दिया जाएगा और 2 साल बाद का पूछा जाएगा, और एक क्वेश्चन आएगा जिसमें आपको पूछा जाएगा कि अगर 2012 में जनसंख्या इतनी है तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, तब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो परसेंटेज है उसे ट्रांसफर करना होगा। क्लियर? ऐसे दो टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। चलिए आपको कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करवाते हैं। जैसे कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक, व्यापम का ही प्रश्न है, जितना भी हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मैं आपको बता देना चाहूं प्रीवियस ईयर में आए हुए ही प्रश्न है, ठीक है, चाहे वो पटवारी में आए हुए, रेवेन्यू इंस्पेक्टर में, या पिछले हॉस्टल वार्डन में आए हुए, सीजी टेट में, शिक्षक भर्ती में, कहीं ना कहीं ये प्रश्न सब आए हुए हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो व्यापम हो, सीजी टेट हो, शिक्षक भर्ती हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्वेश्चन को देखिए ध्यान से और बनाना सॉल्व कीजिए। क्लियर? तो यहां पर क्या बोला है देखिए ध्यान से, एक कस्बे में जनसंख्या दे दी गई है 80,000। पहले वर्ष में यहां पर क्या हुआ, 8% कमी हुई, और अगले वर्ष में, दूसरे वर्ष में यहां पर 5% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। तो पूछता है दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या कितनी होगी। तो क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए कि इसमें क्या पूछा गया है। क्लियर है? उसके बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए, तो आपको पहले यह जानना है कि टाइप 1 का क्वेश्चन था कि टाइप 2। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो जनसंख्या पूछी गई है ये 2 साल बाद में, यानी 2 वर्ष के अंत में पूछी गई है, और आपको पहले की जनसंख्या दे दी गई है। तो यहां पर जो आपका गांव की जो जनसंख्या थी वो पहले कितनी थी, 80,000 थी। पहले वर्ष में पहले वर्ष में आप देखते हैं कि जनसंख्या में क्या होती है, 8% की कमी हो जाती है, 8% कमी। जैसे मैंने आपको बताया है कि कभी भी अगर 8% कमी बोलेगा तो 100% उसे माइनस कर देना, 100 में 8 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई, 92%। क्लियर है क्या, जनसंख्या में कमी, जस्ट आपको मल्टीप्लाई कर देना। अब हम बढ़े दूसरे साल में, क्योंकि यहां पर 2 साल बाद की बात की गई है, तो सेकंड ईयर में क्या हुआ भाई, तो सेकंड ईयर में हम देखते हैं कि यहां पर क्या हो गई, 5% की वृद्धि हो गई। 5% की वृद्धि मतलब 100 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 105, और 105 बटा क्या लिख देंगे हम लोग, 100 लिख देंगे। इतनी चीजें समझ में आई क्या, यहां तक चीजें ध्यान से देखिए, इतनी पॉइंट समझ में आए क्या, 8% में कमी मतलब हमने क्या लिखा, 92, और 5% की वृद्धि मतलब हमने क्या लिखा यहां पर, 105। क्लियर? इसके बाद आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ये सारे जीरो यहां पर क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे, 4 0 कैंसल, और आपको ये लास्ट मल्टीप्लाई करना है क्या, 8 × 92 × 105।
ठीक, इसे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो जनसंख्या मिलेगी, ये 2 साल बाद की जनसंख्या आपको मिल जाएगी, और 2 साल बाद की जनसंख्या आपकी हो जाएगी 77,285। क्लियर, 2 साल बाद की जनसंख्या हो जाएगी 70,285, 70,280। ये हो गई 2 साल बाद की जनसंख्या, 80,000 पहली थी, बाद में हो गई 70,280। क्लियर, ये पहले टाइप का एक क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में आया था उसे भी ध्यान से देखिए, यहां पर क्या बोलता है, एक शहर की पहले की आबादी, पहले की आबादी में पहले साल 30% की वृद्धि हुई और अगले साल क्या हुआ 15% कम हो गया। अब यदि वर्तमान में आबादी जो है, जनसंख्या जो है 11,050 है, तो 2 वर्ष पहले आबादी कितनी थी। क्वेश्चन को ध्यान समझिए, कैसा क्वेश्चन है, 2 साल पहले का पूछा है। इसके पहले वाला क्वेश्चन क्या था, 2 साल बाद का पूछा था, इस बार 2 साल पहले का पूछा है। ठीक, तो मान लेते हैं कि 2 साल पहले किसी गांव की जनसंख्या क्या रही होगी, एक्स रही होगी। तो हम मान लेते हैं क्या हो गई, जनसंख्या एक्स हो गई। जैसे कि पहले साल की हम बात करें, पहले साल की फर्स्ट ईयर की हम बात करें, तो पहले साल में यहां पर क्या हुआ, 30% की वृद्धि हुई। तो 30% वृद्धि मतलब 100 में 30 जोड़ेंगे क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर 130 होगा, तो 130/100 लिख दिया, डन। अगले साल जस्ट इसके बाद सेकंड ईयर में अगले साल की अगर हम बात करें, तो यहां पर क्या हो रही है, 15% कमी, मतलब 100 में 15 कम करेंगे कितना होगा, 85%। तो क्या लिख देंगे यहां पर, 85%। क्लियर है, बराबर, क्योंकि 2 साल बाद यानी यहां पर जो जनसंख्या है, यहां पर कितनी मिल जाती है हमें, 11,050। क्लियर है, ये वर्तमान जनसंख्या, 2 साल पहले का पूछा है, एक्स का वैल्यू हम लोग निकालने वाले हैं। क्लियर, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, तो एक्स बराबर हम करेंगे 11,050 इंटू 100/130 और 100/50। क्लियर है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, यहां पर एक सिंगल जीरो इससे कैंसिल हो जाएगा, 13 से इसे कैंसिल करेंगे। ठीक, ये 85 इसमें कैंसिल हो गया, फाइनल आपके पास जो बचेगा यहां पर वह बचेगा 10,000। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10,000, यानी 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, 10,000, और वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 11,050। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर, तो ये परसेंटेज का जनसंख्या आधारित प्रश्न, आप जब भी सीजीटेट या व्यापम या बोलना चाहिए शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, सिलेबस को जरूर उठा के देखिएगा। सिलेबस में विशेष रूप से लिखा हुआ है कि जनसंख्या आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, तो जनसंख्या आधारित प्रश्न आपके पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल आपको यही टेक्निक अपनाना है और यही क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। बस आपको क्या होगा, नंबर का बदलाव दिखेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा, इसी कॉन्सेप्ट से आपको बनाना है। क्लियर यहां तक चीजें। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को समझते हैं जो आपके परसेंटेज से रिलेटेड आएगा। अगला जो क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, अगला जो टाइप का क्वेश्चन होगा वह होगा एग्जाम रिलेटेड। एग्जाम रिलेटेड यानी कि इस क्वेश्चन में आपको 2 विद्यार्थी देखने को मिलेंगे, और 2 विद्यार्थियों में एक विद्यार्थी क्या होगा, पास हो जाएगा, और एक विद्यार्थी क्या होगा, फेल, यानी पास फेल आधारित प्रश्न आपको देखने मिलेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर कॉन्सेप्ट को उसी के साथ हम समझेंगे। देखिए, एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक प्राप्त होते हैं और 16 अंकों से वह फेल हो जाती है। सुनीता की अगर बात करें तो 40% अंक उसे मिले और वह अंक से उत्तीर्ण हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर 56 अंक अधिक है बोला गया। ठीक, तो सुनीता के यहां पर 40% अंक मिले और वह 56 अंकों से उत्तीर्ण अधिक थे, उसके अंक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 56 अंक अधिक थे। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से, कभी भी आप अगर एग्जाम दे रहे हैं, सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड कीजिए। क्वेश्चन को जब आप रीड करते हैं तो अब आप उसके कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ये था आपका क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखें, हमेशा आप याद रखिएगा, इस प्रकार के प्रश्न में 2 कैंडिडेट रहेंगे, एक कोई कैंडिडेट क्या होगा, फेल होगा, और दूसरा कोई पास होगा। जैसे कि इस परीक्षा में अगर हम बात करें, अनीता नाम की जो स्टूडेंट है वह क्या हो गई, इस परीक्षा में फेल हो गई। क्लियर, कहा जा रहा है कि उसे, अनीता को 16 अंकों से फेल हो गई है, उसे प्राप्त अंक कितने हैं, 31%,
यानी अनीता को 31% अंक प्राप्त हुए हैं और वह 16 अंकों से फेल हो गई है। ठीक है, मतलब उसे पास होने के लिए आवश्यक अंक कितने चाहिए थे? 16 अंक अगर इसे मिल जाते अनीता को तो वह पास हो जाती। तो यहां पर अगर अनीता की हम बात करें तो अनीता को 31% में 16 अंकों की और जरूरत थी उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए उसे 16 अंकों की जरूरत थी। क्लियर। वही बात करें सुनीता की अगर बात करें तो सुनीता को 40% अंक प्राप्त हुए, 40% और 40% अंक जो प्राप्त हुए उसे उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक से, पास होने वाला जो मिनिमम मार्क्स था उससे 56 अंक अधिक मिले। मतलब 56 अंक, अगर मान लो कि बात सुनीता के 40% में 56 अंक कम कर दिया जाए तो वह क्या होती, एक पासिंग अंक में उत्तीर्ण होने वाले आवश्यक अंक को हम लोग जान पाते। क्लियर है क्या? यहां पर क्या हुआ, 31% प्लस 16 क्यों किए, क्योंकि इसे पास होने के लिए 16 नंबर की जरूरत थी तो पासिंग नंबर आ जाता। वही 40% की बात करें तो इसे 56 अंक क्या थे, यहां पर कम थे, कम करने पर हमें क्या मिल जाएगा, पासिंग मार्क मिल जाएगा। डन। इसे हम कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये पासिंग मार्क दोनों बराबर है। यदि हम कुल अंक मान लें, यहां पर कुल अंक अगर x मान लें, कुल अंक अगर हम x मान लें तो x का 31% जो है वह किसे प्राप्त हुआ था, अनीता को, और अनीता को 16 अंकों की जरूरत थी। ठीक, उत्तीर्ण अंक और उत्तीर्ण अंक दोनों क्या हो गए, यहां पर बराबर हो चुके हैं। तो सुनीता के लिए भी क्या हो गए, यहां पर 40% अंक इसे प्राप्त हुए, और अगर इसमें 56 हम कम कर देते तो वो पासिंग मार्क के बराबर हो जाता। तो यहां पर क्या कर देंगे हम लोग, 56 माइनस कर देंगे। क्लियर है यहां तक चीजें? ठीक, अब ये एक इक्वेशन यहां पर आपका बन जाता है, एक इक्वेशन यहां पर बन जाता है, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब इस इक्वेशन की अगर हम बात करें तो 40x वालों को एक साइड ला लेते हैं, 40x by 100 माइनस 31 by 100x बराबर 16 प्लस 56। ठीक है, यहां हम एलसीएम लेंगे 100x, 40 में 31 माइनस होगा कितना आ जाएगा, 9x बराबर कितना हो जाएगा, 56 और 16 आपके पास 72। क्लियर, और x का जो मान मिल जाएगा आपको यहां पर 800। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो 800 आया है ये टोटल मार्क्स आया है, x का वैल्यू जो आया है टोटल मार्क्स आया, यानी 800 क्या है, आपके पूर्णांक है, यानी इतने नंबर में एग्जाम हुए थे। आपको पूछा गया है उत्तीर्ण यानी पासिंग मार्क क्या है। जैसे आप समझिए, एग्जाम आप जब देते हैं या व्यापम या बोलना चाहिए आपके स्कूल एग्जाम होते थे तो 100 नंबर में 33% लाना अनिवार्य होता था, तो 33% जो है मिनिमम मार्क्स, यानी उतना अंक अगर आप लाएंगे तभी पास होंगे। तो पूछा जो गया है रिक्वायर्ड टू पास, यानी कि आपको कितने अंक, न्यूनतम अंक कितने आवश्यक है उसे पूछा गया। तो यहां पर आप क्या कर सकते हैं, या तो अनीता को ले लीजिए या तो सुनीता को ले लीजिए, दोनों में से किसी का भी यहां पर हम परसेंटेज ले लेंगे तो आपको उत्तीर्ण होने वाले अंक मिल जाएंगे। जैसे कि हम यहां पर अनीता की अगर बात करें तो अनीता को जितने प्राप्तांक थे वह क्या थे, टोटल का इसे 31% अंक प्राप्त हुआ था। टोटल हमारे पास कितना हुआ, 31 800 का 31%, और क्या करना पड़ेगा, 16 जब हम जोड़ देते हैं तो हमें उत्तीर्ण अंक मिल जाते हैं। तो यहां पर इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये कैंसिल, कितना आ जाएगा आपके पास, 248 प्लस 16 करेंगे हम लोग, 248 में 16 करने पर हमें कितना मिल जाएगा, 8 6 14 और ये 6, और यहां पर मिल गया आपको 264। क्लियर, 264 जो अंक है, 264 जो अंक है एग्जाम में पास होने वाले अंक थे, यानी 264 अंक जिसे प्राप्त होता वह पास हो जाता, और 264 से जिसे कम मिला है वह क्या हो जाएगा, यहां पर फेल हो जाएगा। क्लियर, तो 264 यहां पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो आपको करना क्या था, पहले आपको टोटल अंक, कुल अंक एग्जाम में एज्यूम करना था कि कुल अंक एक्स है,
ठीक। इसके अलावा 31% जो है अनीता को अंक प्राप्त हुए, फेल होने से वो क्या है 16 अंक इसमें से इसे कम प्राप्त हुए थे, तो आप 16 को जोड़ दिए और यहां पर उत्तीर्ण अंक प्राप्त कर लिए। वैसे यहां पर भी उत्तीर्ण अंक क्या होगा, जब 40% सुनीता को प्राप्त हुए बट उसे 56 अंक अधिक मिले थे, तो जब 56 आप कम करते तो उत्तीर्ण अंक इसे प्राप्त हो जाते। क्लियर है यहां तक? तो आपको यहां पर 2-3 प्रश्न यहां पर पूछे जा सकते थे, या तो टोटल मार्क्स पूछा जाता, न्यूनतम अंक पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा अनीता और सुनीता को कितने अंक प्राप्त हुए ये भी पूछा जा सकता है। क्लियर? तो 4 से 5 क्वेश्चन इसी प्रश्न में बन सकते हैं। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, इसमें हम चारों डेटा, जितने भी क्वेश्चन के डेटा हैं सभी चीजें हम लोग निकालेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या चीजें ज्ञात करेंगे उसे आप पहले देख लो। सबसे पहला हम इसमें जानने का प्रयास करेंगे कुल अंक, टोटल मार्क्स कितने एग्जाम में कितने पूर्णांक थे उसे ज्ञात करेंगे। साथ ही साथ हम जानेंगे मिनिमम या न्यूनतम पास होने के लिए कितने अंकों की जरूरत थी। इसके अलावा हम जानेंगे कि पहले कैंडिडेट को कितने अंक प्राप्त हुए, पहले परीक्षार्थी को जो पास हुआ। इसके अलावा अगला जो क्वेश्चन हम लोग इसमें जानेंगे कि दूसरे परीक्षार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए, इसे भी हम लोग इसमें जानेंगे। क्लियर? तो आप एक क्वेश्चन में 4 टाइप के यहां पर प्रश्नों को हल करने वाले हैं। क्लियर? इसी क्वेश्चन के द्वारा आपको समझना है। देखिए यहां पर ध्यान से, ठीक। देखिए, एक परीक्षार्थी को 30% अंक प्राप्त हुए, 10 अंकों से फेल हो गया। उसी परीक्षा में एक दूसरा विद्यार्थी बैठा जिसे 35 अंक प्राप्त हुए और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 15 अंक उसे अधिक मिले। डन। यहां तक चीजें लिखने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, जो इक्वेशन मैं लिखूंगा वही आपके लिए शॉर्टकट है, उसी तरीके को आपको अपना लेना है, ठीक। मान लेते हैं कि एक्स क्या है, कुल अंक रहे होंगे, एक्स टोटल मार्क्स एग्जाम में रहे होंगे। मान लेते हैं एक्स का इस विद्यार्थी को 30% प्राप्त हुआ, पहले विद्यार्थी को एक्स का 30% प्राप्त हुआ और वह 10 अंकों से फेल हो गया, यानी 10 अंक और प्राप्त होते तो पासिंग मार्क तक पहुंच जाता, टॉप निकल जाता भैया स्कूल में, ये चीज समझो। केवल वो पासिंग मार्क वाली जो बॉर्डर है वहां तक वो पहुंच जाता, तो यानी कितने अंक चाहिए थे उसे, 10 अंक चाहिए थे। तो आप क्या कर दिए, 10 को जोड़ दिए, बराबर का निशान लगाएंगे, दूसरे विद्यार्थी की तरफ चलेंगे। परीक्षा में बैठा हुआ दूसरा विद्यार्थी जो है उसी टोटल अंक का कितना मिल रहा है उसे, 35% मिला, तो टोटल अंक का उसे कितना मिल जाएगा, 35% यहां पर मिल जाएगा, ठीक। तो एक्स का 35% इसे प्राप्त हुआ, बट वो क्या किया, जो मिनिमम मार्क्स था उससे ज्यादा लेकर आ गया, तो मिनिमम मार्क्स से ज्यादा लाया तो मिनिमम मार्क्स तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उतने अंकों को कम करना पड़ेगा। तो कितना अंक ज्यादा लाया था, 15 अंक, तो 15 अंकों को आपको क्या कर देना है, कम कर देना है। बस इस क्वेश्चन का सबसे बड़ा सार यही है, ये है आपके पास होने वाला, ये वाला आपका फेल विद्यार्थी और ये पास विद्यार्थी, ठीक। चलिए अब यहां पर अगर एक्स की वैल्यू हम लोग निकाले तो एक्स वालों को एक साइड कर लेते हैं, तो एक साइड जब हम लोग करेंगे तो 35x/100 माइनस क्या होगा, 30x/100 बराबर 10 प्लस क्या हो जाएगा यहां पर 15। क्लियर है? ये हो गया आपके पास 5x/100 बराबर ये हो गया 25। एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, यहां पर हमारे पास कितना हो जाएगा, तो एक्स का मान हो जाएगा आपके पास 500। यानी परीक्षा में जितने नंबर पर एग्जाम हुआ है वह क्या है, कुल अंक कितने हैं आपके पास, 500, ठीक। यानी आपका पहला आंसर आ चुका है, कुल अंक जो टोटल हमें निकालना था वह आ चुका है। क्लियर है क्या, ये क्वेश्चन समझ में है? ये आपके ये फेल विद्यार्थी को प्राप्त अंक थे, 10 अंक और मिलते तो पास हो जाता, ये पास होने वाला विद्यार्थी था जिसको 15 अंक हमने कम कर दिया, ठीक। अब अगला पॉइंट है क्या, आपको न्यूनतम अंक निकालना है। ध्यान से देखिए यहां पर न्यूनतम अंक कैसे निकालेंगे, पास होने के लिए न्यूनतम अंक कितने की जरूरत थी। तो न्यूनतम अंक के लिए जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था, या तो आप पास वाले विद्यार्थी के लिए लीजिए या तो फेल वाले के लिए, दोनों में आंसर आपका आ जाता है, ठीक। तो यहां पर अगर हम बात करें टोटल अंकों का, टोटल अंक हमारे पास कितने हैं, 500, ठीक है। हम ले रहे हैं फेल वाले विद्यार्थी को,
500 का 30% प्लस 10, 500 का 30% 30/100 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहां पर, ये हो गया 150 प्लस 10 यानी 160। 160 जो है, 160 ये न्यूनतम अंक है, मिनिमम पासिंग मार्क, यानी 500 में जिस विद्यार्थी को 160 प्राप्त हुआ वह क्या हो जाएगा एग्जाम में, पास हो जाएगा, नहीं तो वो फेल हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने ये वाला डेटा लिया और इसके अकॉर्डिंग आपने मिनिमम मार्क्स न्यूनतम अंक निकाल लिए। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या पूछता है, पहले परीक्षार्थी को दूसरे परीक्षार्थी कितना कितना मिला। तो देखिए पहले परीक्षार्थी की अगर हम बात करें, पहले परीक्षार्थी को प्राप्त हुए थे कितने 30%, तो पहले परीक्षार्थी के अकॉर्डिंग हम क्या कर देंगे 500 का 30% निकाल लेंगे, तो हमें पहले परीक्षार्थी के अंक मिल जाएंगे कितने 150। क्लियर? तो यहां पर क्या हो गया, पहले परीक्षार्थी का अंक कितना हो गया आपके पास 150। दूसरे विद्यार्थी कितना मिला भाई, दूसरे विद्यार्थी को यहां पर मिला है 35%, तो दूसरे विद्यार्थी का हम ले लेते हैं कितना हो जाएगा 500 का 35%। क्लियर है? तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 175, यानी दूसरे विद्यार्थी कितना प्राप्त हुआ 175 अंक प्राप्त। क्लियर? तो आप अगर इस मेथड को ध्यान रखें, पास विद्यार्थी और फेल विद्यार्थी और पास विद्यार्थी दोनों को बस बराबर करना है, पूर्णांक निकालना है, एक्स का वैल्यू या टोटल नंबर जब मिल जाते हैं उसके बाद किसी भी क्वेश्चन का, आपको किसी टाइप का भी क्वेश्चन इसमें पूछेगा आप आसानी से बना लेंगे। यह एग्जाम में पूछा गया है और ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, या तो टोटल मार्क्स पूछे जाएंगे, या तो मिनिमम मार्क्स पूछे जाएंगे, या तो पहले परीक्षार्थी को प्राप्तांक या दूसरे परीक्षार्थी को प्राप्तांक पूछे जाएंगे। क्लियर है? इतनी चीजें इसमें पूछी जा सकती है। यहां तक आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। दो क्वेश्चन बिल्कुल हमने वैसे ही देखे और दोनों क्वेश्चन को हमने सॉल्व करके देखा और क्या क्या संभावित इसमें प्रश्न बन सकते थे उसको भी हमने जाना है। क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न आपके सामने आएगा वह रहेगा वेन डायग्राम आधारित प्रश्न। ठीक है, वेन डायग्राम आधारित प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या तरीका अप्रोच होना चाहिए उसको हम समझते हैं। बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट रहेगा, उसी कॉन्सेप्ट को आपको जानना है और वैसे ही टाइप में आपको क्वेश्चन बनाना है। देखिए ध्यान से समझिएगा, वेन डायग्राम आधारित प्रश्न है, पहले वेन डायग्राम के क्वेश्चन कैसे रहेंगे, क्या चीजें हम लोग करने वाले हैं पहले उसे समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए मान लीजिए कुछ लोगों को चाय पीने का शौक है, कुछ लोगों को चाय पीने का शौक है। ठीक है, कुछ लोग यानी कि चाय पीते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कॉफी पीना पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं, चाय और कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। अब ऐसा नहीं कि भाई चाय और कॉफी मिला के पीते होंगे भाई, है ना, कभी उसको चाय लगा चाय भी पी लिया, कॉफी लगा कॉफी भी पी लिया, है ना, ऐसा नहीं कि मिक्स करके पी देगा, ऐसा वाला बात नहीं। ठीक है, चाय या कॉफी दोनों पीना पसंद करते हैं। ठीक, अब इस चीज को अगर वेन डायग्राम में शो करना चाहेंगे तो कैसे दर्शाएंगे उसे समझिए। मान लीजिए जो चाय पीते हैं उसे मैं एन ए से दर्शा दिया। क्लियर, और जो कॉफी पीना पसंद करते हैं उसे मैंने एन बी से शो कर दिया। डन, और जो दोनों पीना पसंद करते हैं
वह है आपके एन ए इंटरसेक्शन डी। इस रूप में मैंने क्या कर दिया, शो कर दिया। ठीक, अब इसे वेन डायग्राम में हम कैसे दर्शाएंगे उसे देखिए। अगर कॉफी या चाय वालों की बात करें तो चाय जो है, चाय पीने वाले को हम पहले सर्कल में रखते हैं और कॉफी पीने वालों को दूसरे सर्कल में रख देते हैं। ठीक है, ये सर्कल क्या हो गया, चाय पीने वालों का, ये सर्कल हो गया कॉफी पीने वालों का, जिसे एन बी से हम शो कर दिए। इसके अलावा तीसरा जो पोर्शन है वह यह बताता है कि भाई इनमें दोनों जो लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, तो चाय और कॉफी पीने वाले दो लोग, दोनों पसंद करने वाले कहां पर दिखेंगे आपको, यहां पर शो किया जाएगा। और यही क्या है, चाय और कॉफी पीने वाले लोग। ठीक है, अब आपको मान लो पूछ लिया कि कुल टोटल ऐसे कितने लोग हैं जो चाय कॉफी सभी और दोनों पीना पसंद करते हैं, मतलब चाय की भी बात कर रहा है, कॉफी की भी बात कर रहा है, चाय और कॉफी दोनों पसंद करते हैं, ऐसे लोगों की संख्या कितनी है। ठीक, तो यहां पर जब इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, टोटल लोगों की अगर संख्या आपको पूछी जाएगी, तो एक फॉर्मूला आपको यूज करना है ए यूनियन बी, जिसमें आप पहले लेंगे चाय वाले एन ए के बारे में ले लेंगे, फिर आप ले लेंगे सेकंड सर्कल को एन बी को ले लेंगे जो कॉफी पीना पसंद करते हैं। इसके अलावा आप ध्यान से देखिए, यहां पर जब मैं कॉफी की बात कर रहा हूं, कॉफी की बात कर रहा हूं, तो ये वाला सर्कल आपका पूरा लिया जाएगा, ये वाला सर्कल क्या होगा, पूरा लिया जाएगा कॉफी की जब हम बात करेंगे। ठीक, कॉफी की जब हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो आपका ये सर्कल पूरा लिया जाएगा, तो कॉफी का सर्कल कहां तक जा रहा है, यहां तक, डन। और जब चाय की बात करते हैं तो चाय में भी ये चीज रिपीट होती है, तो आप ये देख रहे हैं कि बीच में जो आपका दोनों में जो कॉमन जो नंबर आ रहे हैं, या बोलना चाहिए एन ए इंटरसेक्शन जो बी है, ये दोनों में क्या हो रहे हैं, बार बार रिपीट हो रहे हैं, और दोनों में अगर ये रिपीट हो रहा है तो उसे आपको एक बार हटाना पड़ेगा। तो ध्यान से देख लेते हैं यहां पर, तो फॉर्मूला किस टाइप से बनेगा आपका, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी, और ये क्योंकि कॉमन है दोनों में दो बार काउंट हो रहा है इसलिए एक बार उसे माइनस कर दीजिए, तो आप क्या करेंगे एन ए यूनियन इंटरसेक्शन बी को आप माइनस कर देंगे, यानी दोनों पीने वाले को एक बार आपको माइनस कर देना है। बिल्कुल यही फॉर्मूले का हमको यूज करना है। ठीक, चाय पीने वाले कॉफी पीने वाले दोनों जो है आपके इसमें आएंगे, डन यहां तक चीजें। ठीक, एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं और समझने का इसको प्रयास करते हैं। ठीक, कि फॉर्मूले का यूज कैसे होगा। जैसे कि देखिए, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी जो है अंग्रेजी में और 85% जो है गणित में और 75% जो है दोनों विषयों में उत्तीर्ण हो गए, तो यहां पर अगर हम बात करें एन ए की वैल्यू हम ले लेते हैं, यहां पर क्या है हमारे पास 80%, 80% विद्यार्थी ऐसे हैं जो इंग्लिश में क्या हो गए, यहां पर इंग्लिश लिख देते हैं, ई से हम सो कर दें, एन ई की वैल्यू आपको क्या दे दी 80%। उसके बाद बोलता है मैक्स में कुछ विद्यार्थी हैं लगभग 85%, ये विद्यार्थी उसमें क्या हो गए, पास हो गए। ठीक, अगला जो पॉइंट है 75% यानी कि इंग्लिश और मैथ्स दोनों में क्या हो गए, वो लोग दोनों विषयों में क्या हो गए, पास हो गए, दोनों विषयों में पास हो गए, तो दोनों विषयों में पास होने वाले कितने हैं 75%। तो आपको पूछा क्या है, देखिए यदि दोनों विषयों में 40 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहले हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहां पर कितने विद्यार्थी हमको मिल रहे हैं टोटल। ठीक है, 75% दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं, यह बात बता दी गई। फॉर्मूला हमारा जैसे कि हमारे पास था एन ई इंटरसेक्शन एम, फिर लिखेंगे हम क्या एन ई प्लस एन एम, क्लियर। इसके बाद आपको कितना मिल रहा है माइनस एन इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एम, क्लियर।
ये हमारा फॉर्मूला था। जो जो हमारे पास डेटा है उसे रख देते हैं। 80% इंग्लिश में पास हुए हैं, 85% मैथ्स में, साथ ही साथ दोनों में जो पास हुए हैं वो कितने हैं 75%। तो दोनों में होने के कारण, डबल रिपीट होने के कारण एक बार उसे माइनस कर देते हैं। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 85, 10 हो जाएगा, 10 प्लस 80 90%। क्लियर है कि यहां तक चीजें? ठीक, तो आपको ये नजर आ रहा है कि टोटल विद्यार्थी जो पास हुए हैं वो कितने हुए हैं 90%। ठीक है, टोटल पास स्टूडेंट की संख्या कितनी हमें मिल गई, पास स्टूडेंट है ना भाई, यहां पर पूछा है कुल विद्यार्थियों की संख्या, हम बात कर रहे हैं टोटल पास स्टूडेंट, जो विद्यार्थी पास हुए हैं, तो टोटल पास हुए हैं 90%। तो 100% अगर टोटल विद्यार्थी रहेंगे जिसमें 90% पास हुए हैं, तो फेल वाले के परसेंटेज कितना होगा, तो फेल हुए विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, 100% माइनस 90%, यानी कि 10% विद्यार्थी क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, फेल हो गए। क्लियर है क्या? अब ये फेल हुए विद्यार्थियों की अगर हम बात करें तो 10% है, बट नंबर में कितना है, नंबर में हमारे पास कितना है, ये 40 है। तो 10% किसके बराबर होगा, 40 के बराबर होगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं, ठीक, 10% बराबर कितना हो जाएगा, 40। तो 1% कितना होगा, 40/10 यानी कि 4। और 100% बराबर कितना हो जाएगा, 4 × 100 400। क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, 10% जो है 40 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि फेल का परसेंटेज फेल के बराबर, 1% का वैल्यू हम निकाले तो 4 हुआ, और 100% का वैल्यू निकाले तो 400 हो गया। ये 100% ही क्या है, टोटल विद्यार्थी है, टोटल स्टूडेंट है। तो टोटल स्टूडेंट की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल स्टूडेंट की संख्या हमारे पास कितनी हो जाएगी, 400 हमारे पास कुल विद्यार्थी थे, 400 में 90% पास हुए और 10% फेल हो गए। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले का आपको यूज करना है, जो वेन डायग्राम आधारित प्रश्न रहते हैं। याद रखना ये माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 75% जो है डबल रिपीट होता है, इसलिए एक बार इसको माइनस आप कर दें। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए एक प्रश्न आप भी ट्राई कीजिए और हम उसे बनाने का फिर से एक प्रयास करते हैं और सॉल्व करते हैं। ठीक, अब अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक छात्रावास में 800 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक हॉकी तथा फुटबॉल दोनों खेलते हैं, और कुछ विद्यार्थी जो हॉकी खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं। वैसे ही क्वेश्चन है, तरीका और क्वेश्चन का फ्रेम आप पहले ध्यान से समझ लीजिएगा। इस क्वेश्चन की खासियत ये रहेगी कि आपको यहां पर मिलेगा क्या, एक विद्यार्थी क्या करेंगे, कुछ विद्यार्थी हॉकी खेलेंगे प्योर हॉकी, और कुछ प्योर एकदम यानी कि फुटबॉल ही खेलेंगे, और कुछ दोनों खेलेंगे। ये क्वेश्चन का हमेशा फ्रेम रहेगा, इसी में फॉर्मूले का यूज आपको करना पड़ेगा। चलिए आपके पास क्या क्या दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, टोटल यहां पर 800 लड़कों की बात कर दी गई, 800 लड़के यहां पर दे दिए गए। अगला यहां पर पॉइंट लिखा गया है क्या, कि प्रत्येक हॉकी तथा फुटबॉल अथवा दोनों खेलते हैं, जिसमें 75% हॉकी वाले। तो मैं हॉकी को शो कर देता हूं एच से, ठीक है, तो हॉकी खेलने वाले कितने हो गए हमारे पास, 75%। यही अगर हम बात करें फुटबॉल वालों की, तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हमारे पास, बताइए यहां पर कितना हो गया, 45% यहां पर क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोनों खेलने वालों की यहां पर बात नहीं की गई है कि दोनों कौन सा खेल रहे हैं। ठीक, चलिए अब इसके अलावा हम देखें तो हमारा जो फॉर्मूला होता है उसे देख लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या है यहां पर, एन हॉकी के लिए ले लेते हैं, हॉकी और फुटबॉल बराबर हमारे पास कितना हो गया, एन एच प्लस एन एफ फुटबॉल माइनस जो दोनों खेलते हैं उसे भी देख लेते हैं यहां पर, क्योंकि यहां पर पूछा क्या गया है, जो विद्यार्थी दोनों खेलते हैं उसके बारे में निकालना है। मतलब आपको इस बार जो वैल्यू निकालनी है वो H इंटरसेक्शन F की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये जो टोटल दिया हुआ है ये क्या है उसे ध्यान से देखिएगा। ठीक, अब यहां पर हम देखें तो N H यूनियन F, H की वैल्यू रख लेते हैं यहां पर कितना है हमारे पास, 75% प्लस एन एफ का वैल्यू कितना है हमारे पास, 45%। ठीक, और M माइनस N H इंटरसेक्शन F आपको दिया हुआ है। क्लियर है कि यहां तक चीजें, जो डेटा जैसा सा दिया हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा हमने क्या किया, रख लिया। ठीक है, रख लिया।
क्लियर है यहां तक चीजें? अब इसे ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपके पास 75% और ये कितना हो गया आपके पास 45%। तो 75% और 45% कितना हो जाएगा आपके पास 120%। यहां तक चीजें क्लियर है? माइनस एन एच इंटरसेक्शन एफ, डन है यहां तक चीजें? 120% यहां पर दोनों का टोटल हो गया और यहां पर n की वैल्यू हमें मिल जाएगी क्या, n h यूनियन f, यानी कि टोटल कितना हम मानते हैं, टोटल कितना मानते हैं हम 100%। तो 100% n h इंटरसेक्शन f बराबर आपको मिलेगा क्या 120% माइनस 100%। मतलब 20% विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं, 20%। ठीक है, तो 800 क्या है इसमें, टोटल लड़के हैं। आपको संख्या पूछा है कि दोनों खेलने वाले कितने हैं, तो दोनों खेलने वालों की संख्या कितनी हो जाएगी, जो दोनों खेलते हैं, ठीक है, परसेंटेज में तो आपको मिल गया, बट दोनों खेलने वाले कितने हो जाएंगे, 800 का 20%, यानी लगभग आपका यहां पर कितना हो गया 160 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेलना पसंद करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है, किसी कहीं पर डाउट? ठीक है, यहां पर आपको टोटल विद्यार्थी दे दिए गए थे 800 लड़के, 800 में हमने 20% यहां पर निकाल दिया। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन था आपका वेन डायग्राम आधारित प्रश्न था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपके बिल्कुल एग्जाम में आए हुए हैं, कहीं पर भी आपको किसी प्रकार का अगर डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। व्यापम के और भी जो आपके एग्जाम आने वाले हैं बिल्कुल ऐसे ही इसी टाइप के, नंबर भले चेंज होगा बट आपके ऐसे ही प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। जो भी विद्यार्थी सीजी टेट की भी तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्ती की भी तैयारी कर रहे हैं, वो कंटिन्यूस हमारी इस सीरीज के साथ जुड़े रहेंगे। आपको पूरा बेसिक टू एडवांस की तैयारी करवाई जाएगी। अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो परसेंटेज चल रहा है, परसेंटेज के साथ साथ इस प्रतिशत टॉपिक के साथ साथ अन्य जो टॉपिक प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए जो प्रश्न है उसे भी हम साथ ही साथ सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो आज का वीडियो हम इसी के साथ समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, जिसे हम सॉल्व करेंगे और आपकी तैयारी को और बेहतर करेंगे। धन्यवाद।